नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में और आज हम हैं सुरेश भाई के पास और प्याज का ताज़ा अपडेट जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या बाज़ार खुला है, कितनी आवक पाबंदी देखने को मिल रही है श्री चार भुजा आलू भंडार पर, तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। कैसी कैसी कहाँ कहाँ से प्याज आ रही है, टॉप क्वालिटी का प्याज क्या भाव दिखा है, तो सभी इस वीडियो के माध्यम से अपडेट देने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको 7-8 घंटे चाहिए तो आप तो लोगों की गाड़ी आ रही है 2500 एक ही जने की। हेलो, हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, जो प्रदीप चाय ले आना, वैसे लाना बढ़िया 2-3 दो तो फीकी ले आना, वैसे 2-3 मीठी ले आया उसे। ठीक है, कैसे हो सर? अच्छे हैं भाजी। तो सर आज प्याज में क्या बाजार खुला है? प्याज भाजी देखो बढ़िया माल तो 27-28 रुपये तक बिका है। अच्छा जी, 28 रुपये बढ़िया माल 27-28 रुपये बिका है। हाँ जी। और सर आज अगर आवक समझे तो कितनी आवक है? आवक बाबूजी नासिक ज़्यादा है। वैसे नासिक ज़्यादा है? नासिक ज़्यादा है। नासिक की कितनी गाड़ियाँ हैं सर आज? नासिक की होगी 15 गाड़ी की लगभग। 15 गाड़ी नासिक की है जी। जिसमें चोपड़ा कितना है सर? चोपड़ा की है 5-7 गाड़ी उस। और टॉप क्वालिटी का माल तो मेरे हिसाब से नासिक में भी नहीं आ रहा है। टॉप क्वालिटी की है वैसे 7-8 गाड़ी है वैसे। तो टॉप क्वालिटी जो है ये वाली क्वालिटी है तो नहीं है सर? ये वाली क्वालिटी तो बहुत कम है सर। हाँ, ऐसी क्वालिटी नहीं आ रही है ना सर, क्योंकि 27-28 तो वहीं बिक जाता है सर टॉप क्वालिटी का, तो यहाँ आकर क्या करोगे। और एमपी से कितनी गाड़ियाँ हैं सर? एमपी की भी होगी 10-12 गाड़ी है। 10-12 गाड़ियाँ एमपी। हाँ जी। और अपना लोकल भी है सर, लाल प्याज जो आ रहा है अभी तो लोकल अजमेर ज़्यादा है सर, अजमेर बिका है 27-28 रुपये वो। अच्छा जी, यानी आज का जो रेट है ऊपर में क्या है सर टॉप का? ऊपर में पुराना माल 28 रुपये तक समझो वो। अच्छा जी, 28। और नीचे में सर? नीचे में 20-22 रुपये, 20 से और 28 रुपये की रेंज में है सर जी वो। और हल्का चोपड़ा, जैसे हल्का चोपड़ा बिकेगा 17-18 रुपये। 17-18 रुपये। तो जैसे ये वाला एमपी का है तो ये क्या भाव का है? ये वाला 22 रुपये दिया वो। 22 रुपये। और ये वाला सर? ये वाला 28 रुपये वो। 28 रुपये बता रहे हैं जी, ठीक है जी। और ये वाला सर? ये वाला 23 रुपये। 23 रुपये। हाँ जी। तो क्या संभावना लग रही है सर आगे? संभावना तो यही है नवरात्रों में थोड़ी वो तेजी आ सकती है सर। और एक बार तेजी पकड़ेगी तो मंदी का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब प्याज पीछे स्टॉक में है। प्याज क्या है कि ये खाली नासिक में है, एमपी में तो ज़्यादा कोई वो भी आ जाएगा 5-10 दिन में, धीरे धीरे तो कम हो ही जाएगा प्याज। यानी लगभग 30 का आंकड़ा अब छू जाएगा सर, धीरे धीरे लग रहा है सर। 30 का आंकड़ा तो हो जाना चाहिए नवरात्रों में सर। बिल्कुल बिल्कुल। नया प्याज तो 30 रुपये बिक ही रहा है। 30 नया तो 30 ही 30 रुपये तक बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का। आज नए की कितनी गाड़ियाँ हैं सर? नए की गाड़ियाँ हैं 3-4 गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे एक गाड़ी तो अपने पास है वैसे। अच्छा जी। और बाकी पीछे 3-4 गाड़ियाँ। बिल्कुल 3-4 गाड़ियाँ, यानी गाड़ियों भी जैसे संख्या है नए वाले प्याज वो भी बढ़ रही है सर। नए वाले की आमदनी बढ़ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर अलवर का जैसे प्याज है वो क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्या बिकेगा? अलवर का बिकना चाहिए सर 15-25 रुपये बीच में। 15-25 रुपये तक उम्मीद है सर जी। सर बाकी तो आने वाला वक्त बताए कैसी प्याज निकलती हैं, किस हिसाब से निकलती हैं। आने वाला वक्त क्या है सर, 15 रुपये से नीचे बिकेगा नहीं, 15 से ऊपर ही बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 40 तक भी आंकड़ा छू सकता है। अब की बार पूरी उम्मीद है अलवर वाले, कोटा झालावाड़ वाले जो हैं उनको पूरा मौका मिल सकता है। कोटा वाले को भी मिलेगा सर मौका। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं सर। 9928128131 श्री चार भुजा आलू भंडार, दुकान नंबर 836। और अलवर के जो किसान हैं उनके लिए क्या? अलवर के किसानों को ये कहना चाहूँगा कि अलवर से बढ़िया भाव जयपुर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई करना चाहिए। धीरे धीरे लाइन बनाओ सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी सर, धन्यवाद आपका। ओके सर।